चलिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं गाजीपुर आया हुआ हूँ। गाजीपुर आज पहुँचने में बहुत देर हो गया, 4:30 बजे शाम को मैं यहाँ पहुँचा, क्योंकि जो उसके बाद जो बस थी बस भी लेट हो गई और फाइनली 4:30 बजे पहुँचा। और क्योंकि मेरी रात में फिर वापस ट्रेन है, तो अभी मैं वापस गाजीपुर स्टेशन पे, जो आप देख रहे हैं पूरा गाजीपुर स्टेशन, और अभी मेरी जो ट्रेन है मैंने फिर यहाँ से ट्रेन के लिए टिकट कराया, क्योंकि जो बनारस से मैं गाजीपुर के लिए आया था वो बस में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो अभी मैं वापस एक ट्रेन से जा रहा हूँ, ये छपरा से लखनऊ एक्सप्रेस है, इस ट्रेन से हम बनारस तक जाएंगे और फिर वापस बनारस से मुगलसराय शायद ऑटो से ही जाना पड़ेगा, और फिर मुगलसराय से मेरी ट्रेन है। तो अभी हम ये जर्नी कंटिन्यू करेंगे और गाजीपुर स्टेशन का मैं बाहर से आपको लुक दिखा देता हूँ। इसका टिकट काउंटर हो गया इधर, गाजीपुर स्टेशन का बाहर से एक लुक देख लीजिए। अभी पूरा अंधेरा है, कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है इधर में, तो इसलिए इतना क्लियर विजिबल नहीं होगा। ये अभी पूरा स्टेशन का भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ये सामने में आपका ये होगा मेन एंट्रेंस शायद बाद में। मेरी ट्रेन बस कुछ देर में आने वाली है, अभी 9:30 के आसपास हो रहा है, 10 बजे ट्रेन को यहाँ पे आना है। अभी टाइम हो रहा है 9:45। प्लेटफॉर्म वन से हमारी ट्रेन अभी आएगी यहाँ पे। गाजीपुर सिटी के नाम से स्टेशन को बोलते हैं। तो चलिए फिर एक रिटर्न जर्नी हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से बनारस, बनारस से मुगलसराय, फिर मुगलसराय से फाइनली। और ये जो ट्रेन है मुझे दुर्गापुर तक नहीं छोड़ेगी, ये आसनसोल में छोड़ेगी, फिर आसनसोल से वापस मुझे लोकल या कैब, लोकल भी पकड़ सकते हैं, वहाँ से बस सर्विस भी है, तो वो हम देखेंगे क्या करेंगे। तो चलिए फिर कवर करिए फिर मेरे साथ में। कल रात में ये जो मेरी ट्रेन थी मुगलसराय से दीनदयाल उपाध्याय से मुझे जो पकड़नी थी, इतनी लेट थी, 6 बजे वहाँ से इसका डिपार्चर हुआ है और पूरा रात भर जगना पड़ गया मुझे। स्पेशल ट्रेन का यही देखिए प्रॉब्लम होता है, मेरी जाने वाली ट्रेन भी स्पेशल थी वो भी लेट, आने वाली भी वैसे ही लेट हो गई। इसका राइट टाइम था रात के 2:20 के आसपास, जो कि आई है 6 बजे। तो 6 बजे आने के बाद में फिर इस ट्रेन को पकड़ने के बाद में मैं इतना थक गया था कि मैं सो गया, और फिर अभी ये पहुंचने वाली है अभी आसनसोल इसका लास्ट स्टॉपेज है। फिर जैसे मैंने आपको बताया था उसके बाद मुझे लोकल ट्रेन या कोई और पकड़ के वापस दुर्गापुर जाना पड़ेगा। अभी बज रहा है 1:40, तो 6 बजे ट्रेन खुली है मुगलसराय से। उसके बाद तो मैं जैसे बेहोश हो गया था, बहुत तरह सो गया पहुँचने वाले आसनसोल। तो अभी देखिए ये ट्रेन जस्ट आसनसोल पहुंचने वाली है, तो लगभग 1:40 हो चुका है।
मेरी ट्रेन खुली थी मुगल सराय से, और अभी मुगल सराय मतलब वही दीनदयाल उपाध्याय जिसको बोलते हैं हम लोग, तो अभी 1:40 मतलब 2 बजने वाला है, मान के चलिए 2 बजे तक ये लगभग आसनसोल पहुँचेगी। तो इसको लग गया टोटल 8 आवर्स इसको लग गया वहाँ से, लगे टाइम जो ट्रैवल टाइम है वो ठीक है, लेकिन इसके आने का ही टाइम बहुत लेट था। और ये जो आनंद विहार से चलती है, ये आनंद विहार टू आसनसोल है, तो आनंद विहार से भी इसका डिपार्चर जो शेड्यूल डिपार्चर है वो लेट ही हुआ था, वहाँ से ही ये 2.5 या 3 घंटे के आसपास लेट खुली थी। और फिर फाइनली मुगल सराय में तो मुझे जो 2:30 बजे ट्रेन आनी चाहिए थी वो आई थी 6 बजे, मतलब 3.5 घंटे लेट हो गई। पूरे रात भर स्टेशन पे ही बैठ के, क्योंकि इसका स्टेटस बहुत धीमे धीमे अपडेट हो रहा था, पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्ट कितने बजे आएगी, पूरा रात भर स्टेशन पे वेट करके। और वहीं पे काफ़ी ठंड भी बढ़ गया था, जैसे तैसे रात निकाली, फिर तो जैसे ही ट्रेन आई, मैं मेरा साइड अपर बर्थ था इस वाले कोच में, अब देखिए इस कोच में जो साइड अपर बर्थ था मेरा, उसमें मैं चढ़ के सीधे सो गया, और ऐसी नींद आई कि फिर सीधे अभी बस मॉर्निंग में उठा हूँ। अभी आसनसोल से फिर दुर्गापुर भी जाना है मुझे, तो आसनसोल से दुर्गापुर लोकल ट्रेन या देखते हैं कौन सी ट्रेन अवेलेबल है उसको पकड़ के चलेंगे। तो अभी हम पहुँच रहे हैं आसनसोल, आसनसोल स्टेशन, यहाँ से वेस्ट बंगाल स्टार्ट हो जाएगा, ये ऑलरेडी वेस्ट बंगाल स्टार्ट हो चुका है, सब बॉर्डर एरिया में हम इंटर कर चुके हैं। एक जो इसमें रिवर एक आती है वो बारा चक करके एक स्टेशन भी है वहाँ पे, उसके बाद से ही वेस्ट बंगाल स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी, और बहुत ट्रैवल टाइम में ही मेरा मैक्सिमम टाइम चला गया, ट्रैवल टाइम करते करते ही आपको मैक्सिमम मेरा जो टाइम है वो उसी में बीत गया। तो इस तरीके से फिर फाइनली मेरा जर्नी अभी कंप्लीट होने जा रहा है, आसनसोल से दुर्गापुर हम चलेंगे, फिर जर्नी कंप्लीट। और मेरा जो काम था वो गाजीपुर में मैं करके, फिर हार्डली मैं वहाँ पे 4 घंटे ही रुक पाया, क्योंकि वहाँ से पहुँचने वाली भी ट्रेन जो मुझे पहुँचना था बहुत लेट पहुँचा, जो मुझे मॉर्निंग पहुँचना चाहिए था मैं लगभग इवनिंग के टाइम में पहुँचा, तो 4 घंटे रुकने के बाद में मैं फिर सीधे निकल गया। ये देखिए आसनसोल सिटी स्टार्ट हो चुकी है। आसनसोल तक जो इसका पहुंचने का टाइम है वो देखा जाए तो इसने उसमें लेट नहीं किया है, क्योंकि अगर ये 6 बजे दीनदयाल उपाध्याय से खुली है आसनसोल में, लगभग 2 बजे हम मान लें 2 बजे पहुंची है ये डे टाइम में, तो 8 घंटे इसको लगे। और नियर अबाउट दीनदयाल उपाध्याय से जो आसनसोल का जो डिस्टेंस होगा वो 500 किलोमीटर के आसपास होगा, तो 500 किलोमीटर ट्रैवल करने में लगभग आपको इसमें लगे 8 घंटे, तो ठीक है वो ट्रैवल टाइम अच्छा है। और मुझे तो घर पता भी नहीं चला, मैं तो सीधे धनबाद स्टेशन में उठ के फिर उस समय लगभग 12:30 के आसपास हो रहा था, तो उसके बाद से फिर जो है मेरी नींद कंप्लीट हुई थोड़ी बहुत। चलिए अभी देखिए लग रहा है ये आउटर पे भी रुकेगा, आसनसोल स्टेशन जस्ट हम पहुँच गए हैं, इसका आउटर ही है ये। अभी आउटर पे इसको रोका हुआ है, तो देखिए कब खुलती है फिर ये ट्रेन। आसनसोल आउटर पे अभी हम खड़े हैं, तो सामने में ही स्टेशन दिख भी रहा है, जस्ट आउटर पे इन्होंने खड़ा किया है।
बहुत सारी बॉगीज़ है इसमें। आप देखिए वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हल्का सा ट्रेन टर्न में काफ़ी बॉगी इसमें बहुत सारी हैं। तो फाइनली आउटर से खुली हमारी ट्रेन और जस्ट अब इसके बाद तो लग रहा है और कहीं रुकना नहीं चाहिए क्योंकि आसनसोल स्टेशन सामने दिख भी रहा है। तो आसनसोल स्टेशन हम पहुंचेंगे और फिर वहां से मैं देखता हूं किस तरह से दुर्गापुर जाना है। लोकल ट्रेन इसलिए अवेलेबल है यहाँ। वेस्ट बंगाल का एक सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपको जो लोकल ट्रेन जिसको हम मेमू बोलते हैं, लोकल ट्रेन बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है। मतलब इस रूट पे तो मैं देख रहा हूँ कम से कम जो आपका ये आसनसोल टू हापड़ा रूट है, डे टाइम्स में लगभग हर आधे घंटे में या एक घंटे के जो इंटरवल्स है उस पर आपको लोकल ट्रेन एकदम ईजिली मिल जाएगी। और वही अभी आज मैं भी ट्राई करूँगा आसनसोल तक ही क्योंकि ये ट्रेन है और मुझे तो बहुत शॉर्ट नोटिस में जाना था, तो मैंने आसनसोल तक की ट्रेन में कराया था टिकट, वो भी स्पेशल ट्रेन में, तो जिसका रिजल्ट भी मैंने आपने देखा ही कितना ज़्यादा लेट हो गया, कितना बजे झेलना पड़ गया। तो अभी क्या है लोकल ट्रेन पकड़ के फिर हम लोग आगे निकलेंगे दुर्गापुर के लिए। उस लोकल ट्रेन का भी मैं आपको टूर दूँगा, ट्रैवल कराऊँगा उसके भी। दुर्गापुर पहुँचते पहुँचते शायद 3 बजे के आसपास, दोपहर का 3 बज जाएगा। तो आज का डे भी लगभग मेरा ट्रैवल में ही जा रहा है पूरा। तो इसलिए स्पेशल ट्रेन्स को कोई देखता नहीं है, इसको कितनी लेट हो रही है क्या हो रही है इसमें कोई ज़्यादा सुपरविज़न रहता नहीं है इंडियन रेलवेज़ का। और स्पेशल ट्रेन होती भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, इसको डिसकंटिन्यू, जैसे इसका पूजा स्पेशल जो पूजा थी जो दुर्गा पूजा था उस टाइम पर ये ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई थी। अभी कुछ टाइम बाद इस ट्रेन को फिर डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, इसीलिए इस पर ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं रहती है इंडियन रेलवेज़। और आपने देखा ही ऐसे जो मैं जा रहा था वो भी ट्रेन स्पेशल थी, वो भी 4 घंटा 5 घंटा, वो तो खैर फाइनली 6 घंटा लेट हो गई थी। और इस ट्रेन को भी लगभग 3.5 घंटा तो वहीं से लेट थी, अभी अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे के आसपास लेट है। स्पेशल ट्रेन का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी लग रहा है आसनसोल पहुँचेंगे। आसनसोल स्टेशन में ट्रेन की एंट्री होते हुए तो फाइनली 2 बजे हमें आसनसोल पहुंचना है। फिर यहां से अभी वो देखिए सामने जो ट्रेन दिख रही है लोकल, तो देखते हैं कौन सी ट्रेन अवेलेबल है फिर तो उससे हम मिलेंगे। ये देखिए आप इंडियन रेलवेज़ का सबसे जो अभी पावरफुल इंजन है, ये वो इंजन, इसका लोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें डबल, देखिए डबल इंजन आपको दिख रहा है, डबल दो इंजनों को एक साथ में कंबाइंड होता है, ये बहुत पावरफुल इंजन होते हैं। ये जो हैवी लोड होते हैं उसको बियर करने के लिए इंडियन रेलवेज़ ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इस इंजन का एक नाम है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। जैसे हर एक जो हाई स्पीड, जैसे जो मेल एक्सप्रेस में WAP7 करके होता है इंजन का नंबर जो मेल एक्सप्रेस में होता है, इसी तरह से इस जो गुड्स ट्रेन के लिए इसको स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। इस इंजन का भी एक नाम है और ये सबसे पावरफुल इंजन है जो हैवी लोड्स होते हैं उनको बियर करने के लिए इसको बनाया गया है। इसका हाँ इसका नंबर है WAG12 करके लिखा है इसमें, WAG1G। बहुत पावरफुल इंजन्स होते हैं ये। और ये है लोकल ट्रेन जिसको हम मेमू बोलते हैं। अभी
टाइप की ट्रेन से फिर हम लोग दुर्गापुर चलेंगे, ये शायद धनबाद जा रही होगी। इस रूट पे लोकल इजीली अवेलेबल है, प्रॉब्लम नहीं होता है उसका। इतने कम टाइम में रिगेस्ट स्पीड उतर लिया है। ट्रेन होती है उनका ये एडवांटेज है, बहुत कम टाइम में इसको एक्सलेट किया जा सकता है, बहुत कम टाइम में इसकी ब्रेकिंग की जा सकती है। इसमें पूरे इंजन कॉम्बिनेशन जो होते हैं इसके, पूरे ट्रेन में दो तीन जगह पे इंजन कॉम्बिनेशन होते हैं, तो इसको स्पीड अप रैंप अप करना बहुत ईजली, हाई स्पीड और तुरंत लो स्पीड, इसीलिए लोकल जो डिस्टेंस होते हैं उनमें इन सब ट्रेन को चलाया जाता है। फाइनली हम आसनसोल में इंटर होते हुए कुछ प्रीमियम ट्रेन्स के अलावा भी सारे ही ट्रेन का वैसे ही हाल है, राजधानी, वंदे भारत, शताब्दी, बस और कुछ प्रीमियम ट्रेन्स पे ही इंडियन रेलवेज़ का ज़्यादा फोकस होता है। अब ये हमारी जो ट्रेन है ये तो स्पेशल कैटेगरी में आती है, और बाकी और भी जो ट्रेन है जो मेल एक्सप्रेस कैटेगरी में है उनकी भी प्रायोरिटी उतनी हाई नहीं होती, वो भी आप डेली वेजेस पे देखेंगे तो वो लेट ही, कुछ ना कुछ तो लेट चलती ही है। इसको लेके अभी इंडियन रेलवेज़ को काम करने की बहुत ज़रूरत है। इंडियन रेलवेज़ हमारा मेजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक मात्र विकल्प होता है। आपको मैक्सिमम पैसेंजर्स यहाँ इंडियन रेलवे से ही ट्रैवल करते हैं, जो कि पर डे जो पैसेंजर का जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा है, वो मतलब आप देखिएगा शायद 6-7 करोड़ के आसपास डेली ट्रैवल करते रहते हैं, डेली इंडियन रेलवे से ट्रैवल करते हैं। तो बेसिक एम्यूनिटीज़ जो हैं वो तो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ही, और प्लस पंचुअलिटी, ये ट्रेन का पंचुअलिटी है उसमें भी काम करने की ज़रूरत है। 5-5, 6-6 घंटे ट्रेन अगर लेट होगी तो फिर हम जो नेक्स्ट हमारा जो भी प्लान है वो हम कैसे कर सकते हैं, इसको लेके अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और ये आसनसोल इंटर में अभी हम आसनसोल स्टेशन में इंटर होते हुए, ये इस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज। लेकिन मेरा स्टॉपेज है और इसके आगे, आसनसोल स्टेशन में पहुँचते हुए अब यहाँ से देखना है कौन सी ट्रेन अवेलेबल होगी मुझे दुर्गापुर जाने के लिए। प्लेटफॉर्म इस ट्रेन का प्लेटफॉर्म दूसरे साइड में एक लोकल निकली थी, एक और लोकल इस प्लेटफॉर्म पे आते हुए, फ्रीक्वेंट लोकल मिलती है। अभी मैं देखता हूँ मुझे कौन सी ट्रेन मिलेगी। चलिए फिर उतरते हैं। 2:05 पे आसनसोल स्टेशन पहुँच गए। अभी देखिए पूर्वा एक्सप्रेस भी आई हुई है अभी, लेकिन उसका ट्रेन जब तक मैं टिकट लूँगा वो ट्रेन निकल जाएगी। चलिए देखते हैं, जो भी अवेलेबल ट्रेन होगा उससे चलेंगे। ये ट्रेन थी पूजा स्पेशल, इसको बोला जाता है, आनंद विहार टर्मिनल टू आसनसोल। 2:00 फाइनली हम पहुँच गए हैं।
इस प्लेटफॉर्म पर भी देखिए पूरा रश। टू पे ये ट्रेन, यहाँ से पहले एग्ज़िट करते हैं, एग्ज़िट करके बाहर काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा और फिर मुझे दोबारा से इधर आना पड़ेगा। पूर्वा जो है नई दिल्ली से हावड़ा, वो अभी लगी हुई है, लेकिन जब तक मैं उसका टिकट लेके वापस आऊँगा तब तक वो जा चुकी होगी। बिना टिकट लिए तो हम ट्रेन में जा नहीं सकते हैं, जाना भी नहीं चाहिए, विदाउट टिकट हम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा अवेलेबल ट्रेन मिल रहा है। इधर से एग्ज़िट, आसनसोल स्टेशन का एग्ज़िट है। तो भाई ये है आसनसोल स्टेशन का आउटर बिल्डिंग। ये देखिए स्टीम लोको इधर भी खड़ा है और ये अपना इंडियन नेशन का फ्लैग। ये दो चीज़ मुझे लग रहा है हर जगह ही कॉमन है, स्टीम लोको, आपको स्टीम लोको हर एक स्टेशन के बाहर मिलेगा, और इंडियन नेशन का फ्लैग, ये दो चीज़ हर जगह कॉमन है। ये आसनसोल स्टेशन का आउटर है, रात के टाइम में काफ़ी अच्छी लाइटिंग होती है और ये अपना फ्लैग है, और उस तरफ में जो स्टीम लोको है उस साइड पे। चलिए पहले अपना टिकट ले लेते हैं, अपना टिकट मिलेगा। टिकट देखते हैं कौन सी ट्रेन का मिलेगा। ये